पुष्कर में सीवरेज का पंप स्टेशन कुआ जो 35x25 का है वो हुआ लबालब। मानसून आने को है, इसको लेकर पुष्कर के सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमने पुष्कर की जो सीवरेज की फेलियर सिस्टम है, जो रोज पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पे आ जाता है और सामने मानसून है, लेकिन हम स्थानीय नगरपालिका की दूरदर्शिता देखें कि न तो सीवरेज संपंप की सफाई हुई है कुएं की और ना ही चैम्बरों की कोई सफाई हुई है, और 8-10 दिन में बरसात आना निश्चित है। और हालात ये हो जाएंगे कि जब कुआ मिट्टी और कचरे से भरा पड़ा है और अभी तक उसको खाली नहीं करवाया गया, तो क्या हालात होंगे कि वो कुआ 5 मिनट की बरसात से भरेगा, पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पे आएगा, सड़कों से घाट की सीढ़ियों से होके पुष्कर सरोवर में जाएगा और धार्मिक श्रद्धालुजनों की धार्मिक भावनाएं आहत होगी। तो इस बात को लेकर आज हमने जन सुनवाई में माननीय उपखंडगत अधिकारी जी को निवेदन किया कि वो इस कार्य को नगर पालिका को निर्देश देके अविलंब कुओं की और चैम्बरों की और नालियों की सफाई कराए, जिससे मानसून में किसी भी प्रकार से सीवरेज सिस्टम फेल नहीं हो, और साथ साथ वहाँ पे सीवरेज पंप स्टेशन पे एक एक्स्ट्रा जनरेटर और मशीन स्टैंड बाई रखी जाए, जिससे कभी भी कोई खराबी हो मोटर की तो दूसरी मोटर हाथों हाथ लगाई जा सके। आपका नाम? मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, तीर्थ पुरोहित, पुष्कर।